महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार। पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। अब कौन होगा एनसीपी का अगला मुखिया? 50 साल से लंबा सियासी सफर रहा है शरद पवार का। पवार महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। महज 27 साल की उम्र में शरद पवार विधायक बने थे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान क्या किया, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। शरद पवार का नाम महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं में शुमार होता है। शरद पवार ने बेहद कम उम्र में राजनीति की अच्छी पकड़ बना ली थी। जब वो 27 साल के थे तब पहली बार विधायक चुन लिए गए थे। साल 1967 में वो पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद शरद पवार सियासत की बुलंदियों तक पहुंचे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति 2019 में अचानक बदल जाएगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ चुनाव जीतने के बाद भी सीएम पद की मांग को लेकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया। उसके बाद सूबे की सियासत में लगातार बीच बीच में बवंडर आता रहता है। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन चुनाव में जीता। बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली तो शिवसेना को 56 सीटें मिली। एनसीपी तीसरे नंबर पर 54 सीटों के साथ रही। कांग्रेस के खाते में केवल 44 सीटों पर ही रही। उस वक्त सरकार बनाने के लिए बीजेपी को शिवसेना की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उद्धव ने बीजेपी से 2.5 साल के लिए सीएम पद और सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों की मांग की। सामना के मुखपत्र में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा गया और शरद पवार की तारीफों के पुल बांधे गए। 8 नवंबर 2019 में आखिरकार दोनों की राहें जुदा हो गई। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। 21 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार के मुंबई वाले घर पर बैठक हुई। महाविकास अघाड़ी नाम का नया गठबंधन बना। इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल हुई। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के राजभवन में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने, मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस चाल से एमबीए को बड़ा झटका लगा। इसके बाद ही मुंबई में एक 5-स्टार होटल में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपने समर्थन में 162 विधायकों को परेड कराया जिन्होंने गठबंधन के साथ बने रहने की शपथ ली। नंबर गेम में महाअघाड़ी आगे निकला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व शुरू किया। 21 जून 2022 को अचानक महाराष्ट्र की सियासत में फिर बदलाव देखने को मिला। विधान परिषद चुनाव के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के कई विधायकों के साथ अचानक गायब हो गए। यहीं से एमवीए सरकार के संकट के दिन शुरू हुए। शिंदे ने कहना शुरू किया कि वो शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से दगाबाजी नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदुत्व पर भी पार्टी की पहली वाली लाइन लेनी शुरू कर दी। उद्धव बहुमत साबित नहीं कर सके। शिंदे मुंबई पहुंचे और भाजपा नेता फडणवीस के साथ बैठक करने के बाद राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने और फडणवीस उनके डिप्टी बने। वहीं 22 अप्रैल 2023 को एनसीपी नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताकर राज्य की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनसीपी चीफ शरद पवार के इस्तीफे का ऐलान बड़ा कदम बनकर सामने आया है। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।